हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसकी प्रश्नावली 13.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहां पर एक ये रोलर बना के रखा है पहले से। तो यहां से यहां तक को हम बोलते हैं 120 सेंटीमीटर। ये एक रोलर की लंबाई है, ठीक हो गया। इस लंबाई का नाम हमने डाल दिया h। और साथ ही साथ तुमको क्या है कहा है कि जो व्यास है वो 84 सेंटीमीटर है। तो देखो, व्यास तो इसको कहते हैं, इस पूरी लंबाई को व्यास कहते हैं, ठीक है। तो व्यास तो हमें दे रखा है 84 सेंटीमीटर। तो इसका आधा आधा कहां से काउंट होता है? देखो, ये केंद्र है, यहां से इतनी दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जिसका नाम होता है आर। तो जो त्रिज्या होती है ना, वो व्यास का आधा होता है। तो मतलब 84 को अगर मैं 2 से भाग कर दूं, मतलब व्यास को 2 से भाग कर दूं, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी त्रिज्या। त्रिज्या मतलब यहां से ये दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या। तो क्वेश्चन के हिसाब से 42 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब ये रोलर को आप किसी मैदान में चक्कर दिलवाएंगे तो आपको पता है ना कि इसका जो सिर्फ ये वक्र वाला हिस्सा होता है, यही जो है जमीन पर घूमेगा, यही जमीन को टच करेगा। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है, कौन सा वाला? ये वाला जो हिस्सा है, वृत्त वाला हिस्सा, ये जमीन को कभी भी टच नहीं करेगा। तो इसीलिए हम जो है कॉन्सेंट्रेट किस पे करेंगे? हम इस वाले हिस्से पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे जिसको कि कहते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक हो गया। तो जब ये रोलर एक चक्कर लगा लेगा तो इसका एक चक्कर एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर। तो रोलर का एक चक्कर एक वक्र पृष्ठीय, ये कुछ नहीं है, हाँ, क्षेत्र फल के बराबर होता है, ठीक है। पर यहां पर रोलर ने एक चक्कर नहीं लगाया, कितने चक्कर लगाए? 500। तो रोलर के 500 चक्कर 500 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होंगे, ठीक हो गया। तो आपको जो चीज निकालनी है वो सिर्फ यहां पर क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो मैदान का क्षेत्रफल यही निकालना है ना प्रश्न में हमें? क्या निकालना है? मैदान का क्षेत्रफल है ना, ये का है, ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल। तो मैदान के क्षेत्रफल को किसने मापा यहां पर? रोलर ने। रोलर ने कितने चक्कर लगा के मापा? 500 चक्कर लगा के। और रोलर के 500 चक्कर किसके बराबर है? 500 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो मैदान का क्षेत्रफल होगा 500 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 500 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब है 500 गुणा, अब क्योंकि रोलर एक बेलन के प्रकार का है तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक हो गया होगा। 500 का 500 रहने दो, 2 का 2 रहने दो। पाई के मामले में देख लेते हैं, कुछ कहा है रखने के लिए? नहीं। तो पाई का मान हो गया 22/7। त्रिज्या देख लेते हैं कितनी है। अच्छा, त्रिज्या आप देखेंगे कितनी दे रखी है, 42 सेंटीमीटर दे रखी है।
है ना। तो लिख लेते हैं 42 सेंटीमीटर और लंबाई 120 है, तो इसकी जगह लिख लेते हैं त्रिज्या की जगह 42, लंबाई कितनी है 120। अब काटते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 छके 42, तो हमारे पास बचा 500 गुणा 2 को इससे गुणा कर दो तो कितना आ गया 44, और 6 को 120 से कर दो तो आ गया 720। अब अगर मैं इन तीनों को गुणा कर दूं तो मुझे मिलता है 1, 5, 8, 4, 1, 2, 3, 4, ये निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। पर प्रश्न के अनुसार आपको आंसर मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर मीटर स्क्वायर में बदलना है तो उसके लिए आपको 10,000 से भाग करना पड़ेगा, 10,000, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए आपको 100 से भाग करना पड़ता है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर से बदलने के लिए 2 बार 100 से भाग करना पड़ता है, जिसको कि 10,000 कहते हैं। तो अब काटते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो हमारा आंसर आ रहा है 1, 5, 8, 4, 1584 मीटर स्क्वायर। तो वो जो ग्राउंड है ना, उस ग्राउंड का क्षेत्रफल इतना आ गया है। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो हमने ज्ञात कर लिया। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।